हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे वाउचर्स में गए बगैर हम एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। जी हां, ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबल है। कैसे करेंगे इसको, आइए समझते हैं। पहले टैली प्राइम में अगर कोई भी काम हमें करना है तो वी प्रेस करेंगे, वाउचर में जाएंगे तो यहां पर हम एंट्री पास कर पाएंगे, चाहे वो सेल्स कंट्रा रिसिप्ट डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसी भी वाउचर की बात हो, तो हमें वाउचर में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वाउचर में कैसे बिना जाए हम एंट्री पास कर पाएंगे, इसके लिए आपको कीबोर्ड से डी बटन प्रेस करना है। गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको डी प्रेस करना है, तो डी प्रेस कर दिया। अब आपको क्या करना है, ए प्रेस करना है, अकाउंट बुक में जाने के लिए ए प्रेस कर दिया। अब एल प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लेजर्स का लिस्ट खुल गया है, देख सकते हैं आप। जो भी लेजर्स आपको लेना हो, जो भी लेजर लेना हो वो ले लीजिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये यहाँ पे पुनीत सी वाला लेजर। ठीक है, इसमें दो एंट्रीज हुई है पहले से। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों एंट्री। अब जिस भी एंट्री में जाकर के आप बनाना चाहे, ठीक है, इसमें जाइए किसमें किसी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ जिसमें भी आपको जाना हो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेकंड वाले पे जाना है, सेकंड वाले पे कर्सर को रखिए। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले पे जाना हो तो नेविगेशन की का प्रयोग करके फर्स्ट वाले पे आ जाइए। अल्ट के साथ टू बटन, अल्फाबेटिक टू बटन प्रेस कीजिए तो ये अल्टरेशन मोड पे आ जाएगा, इट मीन्स की कॉपी होने वाले मोड पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमें डालना है, एंटर प्रेस करना है और वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ 1/9/2020। ठीक है, वो जुलाई वाला डेट था, आपको याद होगा, देखा होगा आपने, वो जुलाई वाला डेट था। देखिए यहाँ पर अभी भी जुलाई शो हो रहा है, तो यहाँ पे 1/9/2020 मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/9/2020, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे अभी भी पुनीत सी आ रहा है, अगर आप कोई अदर क्रेडिटर पार्टी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, फिलहाल अभी हमारा इरादा ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम ये भी समझते हैं कि अलग क्रेडिटर पार्टी के लिए हम कैसे ये क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पुनीत सी कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया। एंटरप्रेस करते हुए सारी डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, मैंने फिल नहीं किया है। एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर पहले से बना हुआ है तो ये हमने ले लिया। ठीक है, ऐसी इस तरह से एंट्री पास करेंगे तो फायदा ये होगा कि किसी एक क्रेडिटर पार्टी से आप बराबर सामान खरीदते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ एंट्री पास कर पाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी वाले मोड पे लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर राइस की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमें राइस परचेज करना है और राइस कितना परचेज करना है, 100 किलो राइस परचेज करना है। ठीक है, और इस बार दाम कितना है, 30 रुपए पड़ रहा है, 30 रुपए प्रति किलो के भाव से ये पड़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए सिर्फ राइस ही परचेज करना हो, अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लीजिए। ठीक है, ये लगा दिया हमने एसजीएसटी, ये लगा दिया सीजीएसटी, एंटरप्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, अब ये एंट्री कहाँ दिखाई पड़ेगी हमें, यहाँ पे देखिए, अब पहले दो एंट्रीज दिखाई पड़ रही थी, अब तीन एंट्री दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है ना, ये तीसरी वाली एंट्री है जो सितंबर में हमने की थी। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो रहा एक एंट्री। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में हमें किसी अन्य, जैसे मान लीजिए कि पुनीत सी है, ये ले लिया हमने, अल्ट के साथ टू प्रेस किया, हम क्या करते हैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, ये डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ। ठीक है, इस बार सितंबर नहीं अक्टूबर कर देते हैं, टू प्रेस करके और 1/10 कर देते हैं। ठीक है, 1/10/2020 यानी अक्टूबर कर देते हैं, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर भी कर देते हैं 1/10/2020, ठीक है, 2020। ठीक है, एंटरप्रेस कर दिया। अब ये यहाँ पर पुनीत सी आ रहा है, अगर आप इस लेजर को रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई और लेजर बनाना चाहें तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। ठीक है, किसी और क्रेडिटर पार्टी का लेजर आप बनाना चाहते हैं, जैसे सुमित कर देता हूँ, सुमित सी, सी यानी क्रेडिटर, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और एंटर 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 प्रेस करते हुए इसे करा लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, यू आर चेंजिंग द पार्टी लेजर, डू यू वॉन्ट टू अपडेट द पार्टी पार्टीज एड्रेस एंड टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फॉर द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे वाई प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसे भी आप करा लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, ये आपने एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर ये परचेस क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पल्स परचेस कर रहे हो, तो इन्होंने 40 किलो पल्स परचेज की और 1 किलो पल्स की कीमत इनको पड़ी 65 रुपए, उसके भाव से यहाँ आ गया। और यहाँ पर फिर आप सीजीएसटी एसजीएसटी तो आपने लगाई दिया है, तो यहाँ पे सी प्रेस कीजिए सीजीएसटी के लिए और एस प्रेस करके एसजीएसटी भी लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया हमने और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, अब ये है, ये पुनीत सी वाले में दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो अलग से लेजर बना दिया आपने ना, तो वो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस नाम से आपने लेजर बनाया था। ठीक है, जिस नाम से भी लेजर बनाया, जैसे सुमित सी नाम से बनाया था तो वो सुमित सी वाले में चला गया। ठीक है, अलग से भी लेजर आपने बना लिया और सेम लेजर पे भी आपने काम कर लिया बिना वाउचर में गए, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कैसे हम ये करेंगे बिना वाउचर में जाए, तो दूसरे तरीके के लिए आपको वापस से आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको प्रेस करना है डी, डिस्प्ले में आ गए
अब फिर प्रेस करना है ए, ठीक है, तो यहां आ गए। अब कहां जाना है आपको, आपको जाना है परचेज रजिस्टर में, ठीक है, चूंकि परचेज की एंट्री पास की थी, सेल्स की एंट्री पास करनी होगी तो सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए दिसंबर में एंट्री पास हुई है, ठीक है, जिस भी डेट में आपको देखना हो, जैसे मान लीजिए जुलाई कर रहे थे हम, तो जुलाई में आ गए, तो यहां पे देख सकते हैं ये इस तरह से ये दो एंट्रीज दिखाई पड़ रही है। यहां पर रहते हुए आपको अल्ट के साथ टू बटन प्रेस करना है, आप अल्ट वापस आ गए, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, तो इस बार कर लेते हैं 1/12/2020, ठीक है, 2020, एंटर प्रेस किया, यहां पर भी कर देते हैं 1/12/2020, ठीक है। और यहां पर अगर पार्टी का लेजर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैंने आपको चेंज करके दिखाई दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहां पर ये सारी चीजें करके यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। और फिर जो भी आइटम्स हो, स्टॉक आइटम, जैसे मान लीजिए पल्स है तो पल्स ले लिया, तो मान लीजिए पल्स इस बार लिया 20 किलो, तो 20 किलो के हिसाब से यहाँ कीमत आ जाएगी, इस बार 60 रुपए कीमत रही, तो ये इस तरह से ले लिया हमने। अब मान लीजिए कुछ और चाहिए, राइस चाहिए, तो राइस ले लिया हमने, तो राइस ले लिया 100 किलो, और 100 किलो यहाँ पे कीमत आ जाएगी 30 रुपए, ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पे सी जीएसटी लगा दिया और एस जीएसटी लगा देंगे, और ये भी हमने लगा दिया और एंटर प्रेस करके इसे करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।